सेवंथ ए राज आ रहे हैं बच्चे, आपका मैथ्स का पीरियड थर्ड है, यू ज्वाइन योर क्लास अकॉर्डिंगली, दिस इज सेकेंड पीरियड। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सो वी वर डूइंग एमसीक्यूज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट एज फार एज रेशियो ऑफ द क्वेश्चंस आर कंसर्न, इट इज 20:60:20 ना, 20:60:20। सो 20% जो आपका होगा पेपर, दैट विल बी अबव एवरेज, सॉरी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, दैट मीन्स अबव एवरेज। 60% इंटरमीडिएट और 60% जो है वो 20% बिलो एवरेज के लिए होगा। तो यू कैन इमेजिन कि आपको वही जो अगर आपने 40 में से 40 लेने हैं, तो जो आपका 20% अबव एवरेज वाला पेपर है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी विल बी लाइक दैट, विच विल बी यू कैन से लिटिल बिट ऑफ हाई लेवल, दैट यू हैव टू क्रैक प्रॉपरली, ओनली देन यू कैन ग्रैब 40 आउट ऑफ 40 इजिली, राइट। ये चीज याद रखना कि 10 नंबर का पेपर ऐसा होगा जिसमें हमें पूरा अपने आप को जो है करना है अच्छे से प्रेजेंट, और मोर ओवर चॉइस भी आपके पास होगी, तो ये जस्ट यू हैव टू सी कि हमने कौन से क्वेश्चन चूज करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ जी राघव, तो लेट अस कंटिन्यू विद द सम एमसीक्यू, मोर एमसीक्यूज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। सो अभी आज आपकी क्लास है, मे बी कल का कुछ अभी पता नहीं है, आपके एडमिट कार्ड भी आपको मिलने वाले रहते हैं। सो 22 से 25 तक फिर 3 दिन आपकी क्लास होगी, उसमें हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज ट्रायंगल वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। ये वाला चैप्टर मेरे को लगता था एक बार दोबारा डिस्कस होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में भी बच्चों ने काफी क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की थी, दैट वी विल टेक इन 22 to 25 जो आपकी क्लासेज हैं। चलिए लेट अस कंटिन्यू। x इज इक्वल टू r sin थीटा इंटू cos फाइव, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाइव। दिलप्रीत इज देयर? So y is equal to r sin theta sin phi and z is equal to r cos theta, and he says then value of x square y square plus z square, it is independent of r and theta, second r and phi, third theta and phi, and last is r. We just want to see that when we will calculate x square plus y square plus z square, which you can say expression for the thetas will be, for the angles will be missing, that means it is it will not be presented in the calculation of x square plus y square plus z square. Let us see, just a minute. So agar hum isko calculate kare, this will be r square sin square theta cos square phi, r square sin square theta sin square phi प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वेयरिंग एडिंग कर दी हमने सारी। सो अगर हम इन दोनों में से देखें तो हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, इनसाइड इट विल बी कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो थोड़ा बॉर्डर है, इनमें से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, ये बना 1, सो यू विल बी हैविंग आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो आउट ऑफ दीज टू अगेन आर स्क्वायर यू कैन टेक एज कॉमन, आर स्क्वायर आपके पास जो है वो कॉमन आ रहा है, सो यू विल बी हैविंग आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो इट्स वेरी मच क्लियर that when you are doing the calculation for x square plus y square plus z square, the answer it come in the term of r, that means it is independent of theta as well as phi. वो वाला आपने option छोड़ देना है जहाँ पे भी r लिखा हुआ है, क्योंकि r हमारी calculation का part है. So which option we will go with? Which option will go with? Option number C, theta and phi. Right? Let us do the next one. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाने जा रही हूँ, लिटिल बिट ट्रिकी।
secant theta minus cot theta, this is equal to 1 by 2, where theta varies from 0 to pi by 2. That means it is an acute angle. Then what is the value of cos theta? ये हमें find करना है, cos theta की value क्या आएगी? अब देखो, हमें पता है कि जो cos theta है, अगर हम अपने given के साथ cos theta को relate करें, तो we know that cos theta हमारे given के through किसी के through हमें मिल नहीं रहा, है ना? अगर हम अपने given के साथ cos का relation देखें, तो किसी के साथ cos का as such वैसा relation नहीं है. पर अगर हम अपने given के through कुछ ऐसा निकाल लें जिसका cos के साथ relation हो, जैसे कि sin. We know अगर हम sin find कर लें, then cos theta will be equal to square root of 1 minus sin square theta. और sin का relation हमारे given के साथ है. कैसे? If we got cosecant theta with the help of our given, then its reciprocal will give us sin theta. And if we reach to sin theta, easily we can reach to cos theta. इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने given में से किसी तरह से sin theta निकालें. और sin theta तक पहुंचने के लिए we need to tag this cosecant theta. Cosecant theta की value हमें इस equation से find करनी है. Only then we can reach to the required result. क्योंकि जो आप answer देख रहे हो, मैं MC parts लिखती हूँ उसके option 5/3 and the second answer is 3/5. C option is 2/5 and D option is 4/5. Answers में कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है that it is in terms of cosecant theta, cot theta, nothing like that. We have to reach to a numerical value. So this is one equation. अगर हमें किसी की एक equation से, अगर मुझे कोई कहे कि किसी की value निकालो, I can find out the value of one only. इसमें से या तो मैं cosecant theta या cot theta की value निकाल सकती हूँ. दोनों दो equations होनी चाहिए जिसके through हम क्या कर सकते हैं, एक को omit करके दूसरे की value find कर सकते हैं. So to find the second equation, we will see the relation between cosecant and cot, and that we know cosecant square theta minus cot square theta, this is equal to 1, right? अब दो equations solve होंगी और उनके through हमारे पास cosecant theta की value आएगी. Equation same level की solve हो सकती है, but what I mean to say कि अगर यहाँ पे power 1 है, यहाँ पे power 2 है, इसके इन दोनों को combined way में solve करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमने जब linear equation in two variable chapter किया था, दोनों equations की degree 1 होनी चाहिए. अब यहाँ पे इसको उस form में लाने के लिए I am using a square minus b square. What it is? This is a plus b into a minus b. Cosecant theta plus cot theta, cosecant theta minus cot theta equal to 1. Replace this value by given. So you will be having cosecant theta plus cot theta into 1 by 2 is equal to 1. 2 को उधर ले जाओ. You will be having cosecant theta plus cot theta, this is equal to 2. This forms the second equation. So you are having two equations in cosecant and cot. And from there you need to find the value of cosecant theta. And for that, what you need to do? Just add these two equations. When you will add them, cot theta and minus cot theta will get cancelled. And cosecant theta, it will become 2 cosecant theta. Or yahan se 1 by 2 added to 2. So you are having 2 cosecant theta is equal to 5/2. And cosecant theta, this is equal to 5/4. So by this way or that way, I am able to find the value of cosecant theta, right? Cosecant theta jab humare paas aa gaya, we need to reach cos theta, and through cosecant theta we can reach to sine theta by taking the reciprocal. So sine theta, it comes out to be 4/5. And you know, cos theta in terms of sine theta, so cos theta is equal to square root of 1 minus sine square theta. So that is equal to 1 minus 16/25. And that will be equal to 3/5. After solving this, you will get 3/5 and you will go with the second option. थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, जिसमें कि हमने क्या देखा कि दो trigonometric ratios का difference है और एक ऐसी ratio find करनी है, एक ऐसा trigonometric ratio find करना है जिसका इसके साथ कोई relation नहीं है. तब हमने ये देखा कि इसके साथ कोई ऐसा बंदा relate जो यहाँ से निकल सके. तो पहले मैंने वो secant theta निकाला, वहां से sin theta, और sin theta की help से we reach to cos theta. One more question we are doing of the same category. Let us do. इसमें थोड़ा सा easy है.
क्योंकि इसमें सीधा उसने कोसेकेंट ही पूछा हुआ है. इट इज कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, दिस इज इक्वल टू 4/5. Yesterday I put one sample paper in your class group. Daily I will put one sample paper and you will solve it in 90 minutes. That means you will do practice according to your exam, right? Practice करो, ऐसे ही आपको थोड़ा सा confidence build होगा कि हम कर पा रहे हैं 40 question 90 minutes में. Find cosecant A. हमें cosecant A find करना है. फिर से values numerical हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरह से हमें इन equations में से cot A को eliminate करना है. So whenever we need to eliminate one variable from the equation, we must have two equations. So second equation we will form by using the identity that cosecant square A minus cot square A, this is equal to 1. Ye hamare paas identity hoti hai. So yahan pe again we will use algebraic identity, that is A square minus B square, and that is equal to A plus B into A minus B. Right? So you just replace the value of cosecant A minus cot A by your given, that is 4/5. So you are having cosecant A plus cot A, and this value is 4/5 equal to 1. So cosecant A plus cot A, this is equal to 5/4. So I am obtaining one equation. So we are forming two equations in cosecant and cot, out of which we need to find the value of cosecant. So using the concept of the linear equation, we can add these two equations, and when we will add them, plus cot A minus cot A will get cancelled. Cosecant A cosecant A, it will become 2 cosecant A, and this is equal to 4/5 plus 5/4. So this is 20 LCM, 16 plus 25, 41/20. 2 will come in the denominator. So your answer will be 41/40. देखो पिछला क्वेश्चन थोड़ा इसलिए मुश्किल था, इसमें से तो उसने कोसेकेंट माइनस कॉट ए देके हमें कोसेकेंट ए पूछ लिया, तो थोड़ा सा इजी हमें लगा कि हमने आइडेंटिटी यूज की, एड सब्ट्रैक्ट किया, वी रीच द आंसर. पिछले क्वेश्चन में ये देके हमसे उसने पूछा क्या था, कॉज ए, जिसका कि इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है. तो वहां से हमें थोड़ी सी, तो हमने किया प्रोसीडिंग हमारी फिर भी वैसे ही थी, फाइंड हमने फिर को सीकेंट ए किया, यही वाला प्रोसीजर लगा के को सीकेंट ए आइडेंटिटी यूज करते हुए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हुए, अपना गिवन यूज करते हुए दो इक्वेशंस बना के हमने फाइंड को सीकेंट ए किया. पर को सीकेंट ए के थ्रू किस पे पहुंचे, साइन ए पे, पर साइन ए के थ्रू किस पे पहुंचे, कॉज ए पे. दोनों क्वेश्चन सेम है, बस उसमें थोड़ा एक स्टेप अहेड जो है आंसर पूछा हुआ. सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट. Sin theta is equal to a by b. Then what is cos theta? ये तो बिल्कुल आसान सा है. Sin और cos का relation अगर आपको आता है, तो it is going to be very easy. We know that cos in terms of sin is square root of 1 minus sin square theta. जिसको नहीं पता वो इस आइडेंटिटी से देख ले, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1. सो कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा. रिलेशन वी डिड अकॉर्डिंग टू दैट विल गो. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एलसीएम, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, एंड योर आंसर विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ b square minus a square upon b. Let us do the next. Tan square A, this is equal to 1 plus 2 tan square B. Tan square A ki value hamare paas di hui hai, and we need to matlab ye relation diya hua hai, we need to find cos square A over cos square B. Ye hame find karna hai.
अब सबसे पहली बात, टैन से हमें कॉस पे पहुंचना है, टैन और कॉस के बीच में वी डोंट हैव एनी रिलेशन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज वी विल रीच टुवर्ड्स सेकेंट थ्रू टैन, टैन के थ्रू हम सेकेंट तक पहुंच जाते हैं, और जब सेकेंट्स के रिलेशन आ गए तो वी नो दैट कॉस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंट, right? So let us replace this tan square a using the identity secant square a minus tan square a equal to 1. You can have tan square a as secant square a minus 1. ठीक है, tan square a को आपने secant square a minus 1 लिख दिया. This is 1 plus 2. What about tan square b? This is secant square b minus 1. ये आपने लिख दिया tan square b, secant square b minus 1. चलिए इसको solve करते हैं. This is secant square a minus 1. 1 प्लस 2 को अंदर लेंगे, 2 सेकेंट स्क्वायर बी माइनस 2, राइट? सो दिस विल बी सेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस माइनस 1 को उधर लेंगे, 2 सेकेंट स्क्वायर बी माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 गेट कैंसिल, सो यू आर हैविंग सेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 सेकेंट स्क्वायर बी. We want to reach to cos, so let us take the reciprocal. Secant square a is 1 by cos square a, and this is equal to 2 over cos square b. 1 over cos square a is equal to 2 over cos square b. Ab hume nikalna hai cos square a over cos square b. Get the things managed, so we are getting 1 by 2, this is equal to, adjust kar lo, cos square a over cos square b. So value of cos square a over cos square b is 1 by 2. क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का वही फंसना है जिसमें रेशोस किसी और का रिलेशन दिया हुआ है और पहुंचना किसी ऐसी रेशोस के पास है जिनका इन रेशोस के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनेगा इस तक पहुंचने का, और इस बार इंटरमीडिएट कौन बना? सीकेंट. ये वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के आप फंस सकते हैं, सो इनको थोड़ा ध्यान से. पहले हमने किया कोसेकेंट कॉट के थ्रू, हम सीकेंट तक, कोसेकेंट तक पहुंचना तो आसान रहा, बट कोसेकेंट कॉट के थ्रू जब साइन तक पहुंचे थे इट क्रिएट्स अ लिटिल प्रॉब्लम. सो ऐसे क्वेश्चंस को हमें अच्छे से डील करना है. नेचुरली चार चार क्वेश्चंस होंगे, जो 10 क्वेश्चन अबव एवरेज आने हैं, हाई लेवल के आने हैं, तो चार क्वेश्चन सेक्शन ए में अगर हम लगा के चलें, 4 विल बी इन सेक्शन डी एंड 2 विल बी इन सेक्शन सी, और अगर वो कहीं आपके चॉइस में निकल गए तो और आपको ईजी हो जाएगा. सो इट्स अप टू यू कि आपने कैसे उसको डील करना है. चलिए नेक्स्ट. साइन 2a साइन 2a दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 टैन स्क्वायर 45. फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेयर a बीइंग एन एक्यूट एंगल. सो सबसे पहले तो आप इधर वैल्यू रिप्लेस कर दो, टैन स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर, सो साइन 2a दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2. So sine theta is equal to 1 by 2. What will be theta? Sine ki value 1 by 2. This is at 30 degree. So theta will be 30 degree. 2a is equal to 30. So from here you will be getting a to be 15 degree. Ek question aisa pakka aayega jahan pe values jo hai relation diya hoga aur hume angle ki value ko equate karna hoga. Kyunki this is very important concept of trigonometry. Hum kitne questions aise dekhte hain. एक सैंपल पेपर में दिया हुआ है, सो यू कैन इजिली फाइंड इट आउट. नेक्स्ट, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब एक चीज, कल बलजिंदर यहां बैठी एक क्वेश्चन कर रही थी, बट शी वॉज डूइंग कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा को राइट एंगल ट्राइंगल में ले जाके वैल्यू फाइंड करी तीनों साइड्स की, फिर कॉस थीटा निकाला, फिर साइन थीटा निकाला, फिर वैल्यू पुट करी. इतने लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पड़ना. अगर आपके पास कॉट थीटा दिया हुआ है, यहाँ से कॉट थीटा आप जनरेट कर लो, इट विल बी इजी कि आप फटाफट से इसको जनरेट करके वैल्यूज पुट करो एंड यू विल बी अकॉर्डिंगली गेटिंग आंसर. पर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसलिए वो करना मतलब ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. मैं करवाती हूँ ऐसा क्वेश्चन भी जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वहां पे आपको कोई जरूरत नहीं है थीटा और वैल्यूज को एलिमिनेट करने की. अदरवाइज यहाँ तो सीधा ही थीटा निकल रहा है. सो कॉट थीटा 1 बाय रूट 3
एंड देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये वैल्यू आप थीटा की पुट करके, सॉरी 60 डिग्री, ये वैल्यू आप थीटा की पुट करके यू कैन फाइंड. वो क्वेश्चन करवाती हूँ, कह रही हूँ आपको, जिसमें बच्चे प्रॉब्लम ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपने थीटा की वैल्यू सीधा निकाली और यहाँ पे पुट कर दी एंड अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग द आंसर. बट क्वेश्चन लाइक दिस, 16 cot x, दिस इज इक्वल टू 12 एंड यू नीड टू फाइंड साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये आपको निकालना है. अब यहाँ पे व्हाट चिल्ड्रन दे यूज टू डू, कॉट एक्स इज इक्वल टू 12 बाय 16. अब अगर तो यहाँ से एंगल निकल सकता फिर तो वेरी इजी, हम जैसे यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है 1/√3 पे, हमें पता है थीटा की कौन सी वैल्यू होती है, सो वी आर गोइंग इट डूइंग इट अकॉर्डिंगली. बट यहाँ पे वी डोंट नो दैट कॉट एक्स इज इक्वल टू 12 बाय 16 एट वॉट एंगल, तो इस केस में एक ही ऑप्शन बचता है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर फाइंड करो एंड अकॉर्डिंगली यू फाइंड साइन एंड कॉस. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन दैट वे, लेट अस डू इट इन अ वे व्हिच विल डेफिनेटली रिड्यूस द कैलकुलेशन पार्ट. वी वांट टू रीड कॉट एक्स, तो यहाँ पे साइन कॉस है, हमें पता है कि अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड करें वी कैन रीच टू कॉट एक्स. सो इन द न्यूमिरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर डिवाइड बाय साइन एक्स. सो मैंने न्यूमिरेटर में भी साइन एक्स से डिवाइड कर दिया एंड इन डिनोमिनेटर ऑल्सो आई एम डिवाइडिंग इट बाय साइन एक्स. न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन एक्स से डिवाइड किया, ये बना साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एंड इन डिनोमिनेटर यू विल बी हैविंग साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कैंसिल हुए, ये बना 1, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स विल बी कॉट एक्स एंड 1 प्लस नीचे भी कॉट एक्स. हमने सारा एक्सप्रेशन कॉट की टर्म में शिफ्ट कर लिया एंड नाउ कॉट एक्स इज अवेलेबल, दैट इज 12 बाय 16, यू कैन पुट द वैल्यू एंड इजिली गेट द आंसर. समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग कॉट वी आर हैविंग 10, अकॉर्डिंगली वी विल मेक द कैलकुलेशन. दैट मीन्स अगर यहाँ पे 10 है तो आई शुड डिवाइड बाई कॉस एक्स, तो मुझे कॉस को एलिमिनेट कर देना चाहिए और साइन कॉस से डिवाइड होकर 10 आ जाएगा. वट एवर वैल्यू विल बी गिवन टू यू अकॉर्डिंग टू दैट you will manage the thing. If cot is given, you then you have to divide by, you can say sin x, numerator denominator, and if tan is given, you need to divide by cos x, numerator as well as denominator. तो कुछ चीजें जो हैं, वो आपको थोड़ी intelligently भी deal करनी पड़ेगी, time भी save करना है हमें, so better to go in this way. चलिए next देखिए. In the given figure, AB is equal to 14 centimeters. Find the value of tan B. The figure is like this. हमारे पास AD भी गिवन है 13 एंड दिस इज गिवन 25. ये जो साइड्स हैं ये हमारे पास इस तरह से आपस में इक्वल दी हुई हैं, इक्वली फिगर के अकॉर्डिंग भी हमें जाना पड़ेगा, कहीं 90 डिग्री कुछ नहीं दिया हुआ. वी विल गो अकॉर्डिंग टू द फिगर ओनली कि हम इसको एज ए रेक्टेंगल ट्रीट करेंगे. सो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. एक्चुअली हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड टैन बी, टैन बी इट लाइज इन दिस ट्रायंगल, ये वाला क्यूब. सो वी नीड ईडी परपेंडिकुलर ओवर बेस बीई, ये दोनों चीजें हमें चाहिए, ओनली देन वी कैन फाइंड आउट टैन बी. अब ईडी की जो वैल्यू है हम अगर फाइंड करना चाहें तो ये ए सी के इक्वल होगी ना. सो इफ वी फाइंड ए सी इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए वी कैन फाइंड ए सी इजिली. So AC की वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इफ AC इज 12 सो इज ED, ED हमारे पास 12 आ गया.
हमें एक तो ईडी चाहिए वैल्यू फाइंड करने के लिए, दूसरा बीई चाहिए. ईडी हमारे पास 12 आ गया. अब अगर हम बीई की बात करें तो यू सी दिस लेंथ इज 5, सो इज दिस AE 5, राइट. दिस टोटल लेंथ इज 14 एंड दिस इज 5. 14 माइनस 5 दिस विल गिव यू 9, सो दिस इज 9. So you can find tan B in right angle triangle BED. So you are having perpendicular over base, that is 12/9. ऐसे questions भी दिए हुए हैं. Mastermind का sample paper सबसे best है जो मैंने अभी तक देखने भी देखा. एक competency वाला, एक mastermind का. इसमें हर तरह का question, high level का, low level का, every type of question they are covering. चलिए. Root 3 sine theta, this is equal to cos theta. Then find the value of 3 cos square theta plus 2 cos theta over 3 cos theta plus 2. इसकी value हमें find करनी है. सबसे पहले तो जो हमारा, अच्छा इसके आंसर्स हमारे पास इस तरह से हैं. रूट 3 साइन थीटा फर्स्ट ऑप्शन, देन सेकंड इज 3 कॉस थीटा, थर्ड इज 3 साइन थीटा एंड द फोर्थ इज रूट 3 साइन थीटा. ये वैल्यूज हमें गिवन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू रूट, एक्चुअली देखो हमारे सारे आंसर्स में 3 इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि हम वो वाली वैल्यू के थ्रू रिप्लेस करें जिसमें हमें कुछ हद तक 3 नजर आ रहा है. सो आई एम रिप्लेसिंग cos थीटा बाय रूट 3 sin थीटा थ्रू आउट. जहां जहां आपको cos थीटा दिख रहा है आप उसकी जगह रूट 3 sin थीटा से इसको रिप्लेस कर दो, रूट 3 sin थीटा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आई नीड 3 इन द आंसर. सो दिस इज 3 रूट 3 sin थीटा एंड दिस इज प्लस 2, सो यू विल बी हैविंग 3 इंटू 3 sin स्क्वेयर थीटा. वैसे इसमें से रूट 3 साइन थीटा अगर कॉमन ले लें तो कैंसिल हो सकता है. अगर हम ऊपर से रूट 3 साइन थीटा कॉमन लें, क्योंकि देखो कि हमारा ऑप्शन भी बन रहा है. अच्छा मैंने दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए. दिस इज रूट 3 कॉस. अगर हम रूट 3 साइन थीटा यहां से कॉमन लें, ये बचा 3 रूट 3 साइन थीटा फर्स्ट टर्म में से, प्लस रूट 3 साइन थीटा बाहर गया, अंदर बचा 2, एंड इन द डिनोमिनेटर यू आर हैविंग 3 रूट 3 साइन थीटा प्लस 2. तो ये दोनों टर्म्स आइडेंटिकल हो गई, कैंसिल हो गई, सो वी आर लेफ्ट विद रूट 3 साइन. So this is answer root 3 sin theta. Right. One more question we'll do. The time is over. वैसे question जो अभी हमने किया था जिसमें values जो है figure के through आपको mark करनी है. Let us do one more question of the same type. Triangle is ABC. And here is a right angle triangle associated with this ADB. This is two right angle. This is theta. This value is 12. This is 3. This is 4. So we need to find cot theta. Cot theta ki agar hum baat kare, to naturally where the theta lies will be in that triangle. Hame is triangle mein cot theta ki value chahiye. So cot theta is reciprocal of tan theta, that is base over perpendicular. So base is 12 and perpendicular we need. So how to get perpendicular from here? To get perpendicular we'll use this right angle triangle. This is 16 plus 3 plus 9, that means 25. So using Pythagoras theorem in this right angle triangle you will get this side to be 5, and now easily you can find cot theta. So cot theta, this is equal to base over perpendicular, and this is the answer. चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. विल कंटिन्यू टुमारो. टुमारोज टाइम वर्क शेड्यूल विल टेल यू दैट व्हाट टू डू, बिकॉज एडमिट कार्ड्स आर टू बी गिवन एनी हाउ. व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन यू हैव टू एक्ट अपॉन. चलिए.